हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में वेलकम है। स्टूडेंट्स, ये सामने आपके जो एक एनिमेशन 5 पॉइंट एनिमेशन स्लाइड चल रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे बनेगा और इसके लिए क्या क्या करना है आपको। और वैसे भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, बट उसमें कुछ बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं बनाने में बच्चों को, और उसको अब की बार मैं उसी चीज़ को इस तरीके से बताऊँगी कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम बच्चों की जो आती है वो ना आए। तो इसके लिए क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कंट्रोल एन करके आप एक नई पावर पॉइंट खोलकर एक पावर पॉइंट में नई स्लाइड ले लें। तो कंट्रोल एन करके मैंने ये नई स्लाइड ले ली है। अब ये जो स्क्रीन पे क्लिक टू ऐड टाइटल ये लिखा हुआ है, इस पर इसके बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करिए और इस पूरे को डिलीट कर दीजिए ना, ये सारे मैटर को एक ब्लैंक आपको बना लेना है, ब्लैंक शीट। अब क्या करना है आपको, ऊपर की साइड यहाँ पर ऊपर लेफ़्ट साइड में आपको एक इंसर्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाना है, यहाँ पर क्लिक करिए। और इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पर इंसर्ट में आपको वर्ड आर्ट नाम का ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और जो सी भी आपको डिज़ाइन समझ में आए वो डिज़ाइन आप लेकर यहाँ मैटर आप टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ, मैंने ये मैटर टाइप कर दिया कंप्यूटर सॉल्यूशन। इसको उठाकर आप जहाँ भी रखना चाहते हैं आप रख दें, और इसका कलर वगैरह चेंज कर दें, डिज़ाइन थोड़ी चेंज कर दें। कलर चेंज करने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट कलर में, यहाँ से मैं ये डार्क कलर ले रहा हूँ। और इसकी फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए होम में जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसकी फॉन्ट स्टाइल बदल ले रहा हूँ, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट ले रहा हूँ। और यहाँ से इसकी थोड़ी सी डिज़ाइन और अच्छा करने के लिए इसी फॉर्मेट में जा रहा हूँ। फॉर्मेट में यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में टेक्स्ट इफेक्ट है। इस इफेक्ट में जाकर तमाम तरह के ये इफेक्ट्स हैं, मैं इन सारे इफेक्ट्स को छोड़कर रिफ्लेक्शन में जा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन से मैंने एक रिफ्लेक्शन दे दिया, तो जिससे ये देखिए यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन सा आ गया ना। अब इस साइज़ को थोड़ा सा मुझे छोटा करना है, तो इसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए करना है और होम में जाकर इसको थोड़ा सा आप साइज़ कंप्यूटर सॉल्यूशन का छोटा कर दीजिए। मैंने इसको यहाँ पर रख के ये रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ये करना है कि एक इंसर्ट में फिर से जाना है आपको, और यहाँ से शेप में जाना है। शेप, ऐसे शेप में जाइए, ये लिस्ट खुलेगी, इसमें शेप में एक आप रेक्टेंगल ले लीजिए। रेक्टेंगल लेकर ऐसे खींच लीजिए आप, और इसको फिर आप इसको सेट करना है। यहाँ से थोड़ा इधर दबा दीजिए और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, और इसको आप एक नीचे ले आइए, इस तरीके से रेक्टेंगल बना लीजिए पूरा। बनाने के बाद इसको बना लीजिए और इसकी जितनी मोटाई अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। और उसके बाद फिर जो है आप इसमें जो भी कलर करना है, एक यहाँ से आप कलर ले लीजिए, यहाँ से आप जो साइज का कलर करना है वो आप कलर यहाँ से चूज़ कर लीजिए, जो भी कलर आपको करना है वो आप कलर यहाँ से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप इसके नीचे आप फिल कलर, ये फिल दिए जाए फॉर्मेट में मिलेगा, है ना, फिल कलर है ना, शेप फिल है ना, यहाँ पे शेप इफेक्ट्स मिलेंगे, ये शेप इफेक्ट। इसमें आप जाकर कोई सा इफेक्ट जो आपको सही लगे वो आप एक इफेक्ट्स, कोई से इफेक्ट्स चुन लीजिए, तमाम तरह के इफेक्ट हैं, मैं ये इफेक्ट चुन रहा हूँ, ठीक है ना। ये करने के बाद अब एक फिर इंसर्ट में जाकर आप फिर से शेप में जाइए और यहाँ से कोई एक शेप और ले लीजिए, कोई सा एक शेप और ले लीजिए। मैं ये शेप ले रहा हूँ, इस शेप को लेकर यहाँ इसके ऊपर साइड में बनाइए, एकदम ऊपर बनाइए और ऐसे एक शेप बना लीजिए, इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए। और ये जब ये शेप यहाँ आप बना लें तो शिफ्ट दबा लीजिए कीबोर्ड से, इसको सेलेक्ट रहना चाहिए, ध्यान रहे, और साथ में शिफ्ट दबा कर इस पिलर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप पिलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मर्ज शेपर नाम का ऑप्शन मिलेगा, इसमें यूनियन मिलेगा। तो ये ध्यान रहे, ये तभी आएगा जब आप इसको जब इसके साथ आप से देखिए यहाँ पे डिसेबल्ड है ये, जब आप इस शेप को जिसके साथ आपको करना है, दोनों शेप शिफ्ट के साथ जब सेलेक्ट करेंगे तभी ये एक्टिव होगा। इसको क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया, अब यहाँ से आप यूनियन कर देंगे, तो यूनियन करते ये आपका देखिए दोनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, यूनियन हो जाएंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये दो शेप आपके बन गए, एक ये शेप बन गया और एक ये शेप बन गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, पहले इस शेप में एक एनिमेशन देते हैं, फिर इस शेप में एक एनिमेशन देते हैं। तो इस शेप में क्या एनिमेशन देना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर की साइड देखिए, यहाँ पर होम है, ये इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजेक्शन है, यहाँ एनिमेशन है, ये एनिमेशन है, एनिमेशन में जाइए
और एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर इसको खोलिए, इस जगह से आप खोलिए इसको, और इसमें आपको एंट्रेंस का है ना वाइप मिलेगा। एंट्रेंस में आपको एक वाइप मिलेगा, वाइप ऑप्शन, ये देखिए वाइप ऑप्शन, या कोई भी आप ले सकते हैं, फिलहाल मैं वाइप ले रहा हूँ। और वाइप में देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, ये आ रहा है बॉटम से निकल रहा है, बॉटम से निकलता मिल रहा है, तो ये बॉटम से ऐसे बाहर आ रहा है। तो ये कर लेना है इसको, इसको कंप्यूटर सॉल्यूशन को, और ऑन क्लिक को यहाँ करना है विथ प्रीवियस करना है, ठीक है। और इसकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा लेनी है ताकि ये अच्छे से आए। अब इसका प्रीव्यू देखिए, यहाँ से हम अगर प्रीव्यू देखते हैं इसका, तो प्रीव्यू चलाकर देखिए तो ये कैसा आ रहा है, धीमे से ही आया, ठीक है ना। अगर इसको आपको पूरे स्क्रीन पे देखना है तो कीबोर्ड से F5 दबाइए, और ये देखिए ऐसे हल्का से आया, लेकिन इसमें एनिमेशन अभी नहीं आया। अब ये एक एनिमेशन बनाया, एनिमेशन दे दिया, अब इसको भी मैंने बनाया है, इसका एनिमेशन देना है, ठीक है। इस पर क्या देना है, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको एनिमेशन में जाना है, यहाँ से आपको जाना है वही वाइप पर, वाइप पे जाना है, और वाइप को ये देखिए यहाँ से वाइप मैंने कर दिया एंट्रेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लेफ्ट, ये बॉटम लगा है, इसीलिए ये तो बॉटम ठीक लग रहा है, लेकिन इसको हमें करना है लेफ्ट से। तो यहाँ पर आपको क्या चुनना है, लेफ्ट, लेफ्ट चुन लिया, और इसको ऑन क्लिक करना है। ध्यान दें, कंप्यूटर सॉल्यूशन को मैंने क्या किया था विथ प्रीवियस, लेकिन इसको आपको क्या करना है, इस पिलर को क्या करना है, ऑन क्लिक या ऑन क्लिक ही रहने देना है, ठीक है ना। और इसकी भी थोड़ी टाइमिंग बढ़ा देनी है। अब कीबोर्ड से F5 करके चला के देखते हैं, तो देखिए पहले ये आया विथ प्रीवियस चूंकि दिया था, इसलिए F5 करते ही आ गया, और ऑन क्लिक किया था, इसलिए जब माउस से या कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तभी ये पिलर आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इस एनिमेशन में एक चीज़ और करनी है आपको, यहाँ से इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट से जाने के बाद आपको यहाँ से वर्ड आर्ट लेना है। वर्ड आर्ट लेकर यहाँ से कोई एक है ना डार्क कलर का या लाइट कलर का कोई एक टेक्स्ट ले लेना है, और उसमें लिखना है वन, मैंने लिख दिया ये, और इस वन को उठा कर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसके ऊपर। और अब क्या करना है, इसको इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ फॉर्मेट में जाना है, ये फॉर्मेट में ऊपर, और यहाँ पे एक ग्रुप नाम का ऑप्शन मिलेगा, इससे ग्रुप कर लेना है। तो ग्रुप करने के बाद अब ये चूंकि मैंने ग्रुप कर दिया है, दोबारा से ग्रुप किया था, तो ये एनिमेशन, इस पर जो एनिमेशन पड़ा हुआ था वो एनिमेशन हट गया, इस पिलर पे जो एनिमेशन पड़ा था वो एनिमेशन हट चुका है। तो उस एनिमेशन को मुझे फिर से देना पड़ेगा। तो एनिमेशन देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको एनिमेशन इस पिलर पर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, और एनिमेशन में जाकर यहाँ से आप वाइप करिए, क्या करिए वाइप, और वाइप करके यहाँ से आप इसको लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट, और ये ऑन क्लिक मैंने अभी बताया था, ऑन क्लिक करना है, और थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा देनी है, और फिर अब आप चलाएंगे तो ये देखिए ये विथ प्रीवियस चूँकि किया था, इसलिए कंप्यूटर सॉल्यूशन आपका विथ प्रीवियस से अपने आप आ रहा है, और इसको मैंने ऑन क्लिक किया था इसलिए एंटर करने पर ही ये देखिए वन आ गया, वन पिलर है ना। अब वन के बाद क्या आना है, सेंटर का पता आना है या आपकी कंपनी का पता आना है, तो जो भी आना है उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को आप कंट्रोल बटन के साथ नीचे लाएंगे, अगर कंट्रोल के साथ तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, और जब कॉपी हो जाएगा तो इसके अंदर आप क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसकी डिज़ाइन कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाएँ, यहाँ से मैं इसका कलर ब्लू कर दे रहा हूँ, इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ रेड, इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से टेक्स्ट कलर से रेड कर दे रहा हूँ, और इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ ब्लू, है ना, लाइट है ना, थोड़ा सा इस तरह का कलर कर दे रहा हूँ, और इसकी फॉन्ट मैं बदल दे रहा हूँ, फॉन्ट मैं थोड़ी सी पतली रख रहा हूँ या कर्सिव स्टाइल फॉन्ट रख दे रहा हूँ, तो इसकी फॉन्ट मैंने बदल कर ऐसी कर दी है, ये देखिए थोड़ी कर्सिव स्टाइल है, और इसको उठाकर मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है ना, कंप्यूटर सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है या यही साइज रहने देते हैं, कंट्रोल ए करके इस पर मुझे लिखना है पता, मैंने ये लिख दिया है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, और फिर यहाँ पर मैंने रख दिया, ये ऐसे रख दिया, ठीक है ना। अब इस पर एनिमेशन देना है आपको, क्या करना है इसके लिए, सिर्फ पहले ध्यान रहे मैंने बताया, पहले इस पर एनिमेशन देना है जिसे आपको करना है विथ प्रीवियस, फिर इसे एनिमेशन देना है वाइप एंड लेफ्ट, और करना है ऑन क्लिक, और फिर इस पर भी क्लिक करके क्या करना है, एनिमेशन पे जाना है, और यहाँ से क्या करना है आपको वाइप देना है, वाइप एनिमेशन देना है, और इसको करना है आपको यहाँ से लेफ्ट, ठीक है ना।
और इसको ऑन क्लिक की जगह आपको रखना है आफ्टर प्रीवियस, यानी ये जब स्लाइड चल जाए तब ये आए। यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस मैंने कर दिया, अब मैं इसको चला रहा हूँ F5 से, तो देखिए क्या हो रहा है। ये चूंकि मैंने विद प्रीवियस किया था इसलिए कंप्यूटर सोल्यूशन आ गया, फिर इंटर करने पर मेरा ये पिलर आ गया और ये आफ्टर प्रीवियस ये ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि एक पिलर और बनाना है। इसके लिए आपको फिर से इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाकर आपको एक रेक्टेंगल शेप लेना है और एक रेक्टेंगल शेप आपको बना लेना है, ऐसे रेक्टेंगल शेप आपको ऐसे सेट करना है। इसी के ऊपर ओवरलैपिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि एक बराबर से एकदम सेम साइज़ बन जाए, तो मैंने इसको एक सेम साइज़ का मैंने बना लिया और इसको इसके बगल लाना है ना, यहाँ पे लाके रख देना है और फिर से वही मैंने शेप लेना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से वो शेप लेना है जो आपको बनाया था आपने, है ना। जैसे कि मैंने ये लिया था, ये शेप लिया था और इसके बगल में, अब इस ध्यान रहे मैं इसके यहाँ पर मैंने एक शेप बनाया था वन लिखने के लिए और अब मैं इसके ठीक नीचे थोड़ा सा यहाँ बनाना है ना, ये शेप बना रहा हूँ मैं यहाँ पर इसके नीचे और फिर इसका जो कलर करना है, दोनों बना लिया, दोनों को शिफ्ट के साथ दोनों बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट में ये मर्ज शेप ऑप्शन आएगा, इसको यूनियन कर लेना। यूनियन करने के बाद फिर इसी फॉर्मेट में शेप फिल ऑप्शन मिलेगा, इसको जो भी कलर करना है मैंने वो कलर कर लिया, ठीक है ना। कलर करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से शेप में, शेप इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से प्रीसेट से मैंने ये ऑप्शन ले लिया, ये ऑप्शन सेट हो गया और इसमें थोड़ा सा हमें शेडो भी, ग्लो भी देना है। यहाँ से हमने इसको एक ग्लो दे दिया, तो ग्लो देने के बाद ये आपका, अब ये जो पिलर आपका बन गया, तो अब आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट से आपको यहाँ से इंसर्ट में ऊपर जाइए और यहाँ से फिर से आप वही वर्ड आर्ट ले लीजिए और चूंकि यहाँ पे मैंने एक वर्ड आर्ट लेकर कोई यहाँ पर आप दो लिख दीजिए, टू लिखकर इसको उठाकर आपको यहाँ पे लाके रखना है और इसमें रखने के बाद शिफ्ट के साथ इस पिलर को शिफ्ट बटन दबाकर पहले इसको क्लिक करके रख दीजिए और शिफ्ट के साथ इस पिलर पे क्लिक करिए तो दोनों ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जाना है फॉर्मेट में और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर यहाँ से ग्रुप में जाकर इसको ग्रुप कर देना है। तो ग्रुप करने के बाद इसी में एक आपको मिलेगा सेंड बैकवर्ड, तो इसको सेंड बैकवर्ड कर तब तक दबाना है जब तक ये टू जो है वन के पीछे ना चला जाए, यानी वन ऊपर आ जाए और टू वाला पिलर पीछे चला जाए, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है ऊपर एनिमेशन में और यहाँ पर एनिमेशन खोल के आपको वाइप लेना है, वाइप लेना है जैसे पहले लिया था और वाइप लेने के बाद यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद ये आपको ऑन क्लिक रखना है, ऑन क्लिक रखना है और इसको टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, ठीक है ना। फिर इस वाले कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को इसको आपको कॉपी करके नीचे लाना है और यहाँ पे जो मैटर आपको टाइप करना है वो आप टू के लिए टाइप करें, है ना। जैसे मैंने ये टाइप कर दिया माली टोला पक्के बस्ती और इसका मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल फॉन्ट रखने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉन्ट है ना, ये मैंने एक फॉन्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और इन दोनों की शेडिंग मैं हटा दे रहा हूँ बिकॉज शेडिंग ये सही नहीं लग रही इसके साथ, तो यहाँ से मैं फॉर्मेट में जा रहा हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट में जा रहा हूँ और रिफ्लेक्शन से जाकर इस रिफ्लेक्शन को हटा दे रहा हूँ। ये रिफ्लेक्शन जो दे रहा है, रिफ्लेक्शन सिर्फ इस टेक्स्ट कंप्यूटर सोल्यूशन के साथ सही लग रहा है। अब माली टोला पर क्लिक करके यहाँ से फिर टेक्स्ट इफेक्ट में गए, रिफ्लेक्शन में गए और नन करके ओके कर दिया, ठीक है ना, माली टोला पक्के। अब इस पर भी मुझे एनिमेशन देना है, क्या एनिमेशन देना है, एनिमेशन में जाना है मुझे यहाँ से और यहाँ से वाइब देना है और यहाँ से लेफ्ट देना है, लेफ्ट देकर और इसको करना है आफ्टर प्रीवियस कर देंगे। अब देखिए इसको अगर हम F5 करके चलाते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर ये विद प्रीवियस था इसलिए कंप्यूटर सोल्यूशन अपने आप आ गया और बाकी ये पिलर ऑन क्लिक था इसलिए मैंने क्लिक किया तब आया और ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर प्रीवियस था तो ये अपने आप आ गया पिलर आने के बाद। अब मैं इंटर कर रहा हूँ तो दूसरा पिलर आएगा इंटर करने पर और उसके बाद की चीज़ अपने आप आएगी। ये मैंने किया इंटर तो आया और माली टोला पक्के अपने आप आया क्योंकि इसको मैंने आफ्टर प्रीवियस कर रखा था। तो मैं फिर से ये दिखा रहा हूँ फिर से, अब इसको
कंट्रोल ए किया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा मुझे, और इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर ले रहा हूँ, ये सेटिंग हो गई। अब मुझे फिर तीसरा पिलर बनाना है, तीसरा पिलर बनाने के लिए फिर से मैं इंसर्ट में जाऊँगा, शेप में जाऊँगा, रेक्टेंगल लूँगा, और यहाँ से इसके ऊपर मैं ओवरलैपिंग कर रहा हूँ ताकि सेम साइज़ का मुझे बन जाए। एक मैंने ये बना लिया और इसको मैंने ऊपर कर लिया, और फिर से मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ किनारे ले आ रहा हूँ, यहाँ पे किनारे लाके मैंने सेट कर लिया, और सेट करके फिर मैं यहाँ से शेप में जा रहा हूँ, और फिर वही मैं एक शेप ले रहा हूँ, और इस टू के नीचे यहाँ से मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको फिर से बना रहा हूँ ऐसे। और ये बनाने के बाद दोनों को मैं शिफ्ट दबाए हुए इसको इसको और इस पिलर को शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया, तो दोनों पिलर सेलेक्ट हो गए। और फिर कहाँ गया मैं, फॉर्मेट के इस मर्ज शेप में, इसमें यूनियन नाम का ऑप्शन मिला, मैंने यूनियन कर दिया। यूनियन करने के बाद मैंने यहाँ से कलर लिया, जो सा कलर मुझे लेना है, यहाँ से मैंने कलर ले लिया, जो भी मुझे कलर चाहिए, जैसे मैंने ये कलर ले लिया। अब इसमें मैं फिर से वही प्रीसेट में जाकर ये शेप ले रहा हूँ, फिर मैं यहाँ रिफ्लेक्शन से ग्लो में जा रहा हूँ, ग्लो से ये ग्लो दे दे रहा हूँ, लाइट कलर का ये ग्लो दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में यहाँ से वर्ड आर्ट में जाना है, और यहाँ से कोई कलर का आप टेक्स्ट पे क्लिक करके ले लेना है, और इसमें लिखना है थ्री, थ्री लिख कर इसको उठाकर ऐसे यहाँ पे लाके छोड़ देना है, और शिफ्ट के साथ फिर से इस पिलर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट में जाना है, यहाँ ऊपर फॉर्मेट में, और यहाँ पर ग्रुप में जाकर यहाँ से इसको ग्रुप कर देना है, और इसी में यहाँ पे मिलेगा सेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड तब तक करना है जब तक तीन जो है दो के नीचे ना चला जाए, बैक ना चला जाए। देखिए बैक आ गया और टू ऊपर आ गया। अब जाना है एनिमेशन में, इस पर क्लिक रहना चाहिए एनिमेशन में, और वही देना है वाइप और लेफ्ट देना है, लेफ्ट, और ऑन क्लिक रखना है, और थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा देनी है। और फिर क्या करना है, तीसरे पॉइंट के लिए आपको फिर से इस मालेटोला पर कंट्रोल के साथ आप नीचे लाएंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनने के बाद इसमें जो चीज़ आपको लिखना है वो अंदर क्लिक करें, कंट्रोल ए करें, और वो आप लिखें। जैसे मैं लिख रहा हूँ सी सी ए कॉमा डी सी ए कॉमा टैली ई टी सी, और इसको एनिमेशन में मैं फिर जा रहा हूँ, इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं वाइब दे रहा हूँ, और इसको मैं लेफ्ट दे रहा हूँ, और आफ्टर प्रीवियस कर रहा हूँ, आफ्टर प्रीवियस, ठीक है ना, और आफ्टर प्रीवियस कर रहा हूँ बस, इसको कोई टाइमिंग मैं नहीं दे रहा हूँ। फिर अब देखिए इसको F5 करके चला के देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये अपने आप आया, इंटर करने पर ये आया, ये आया, फिर इंटर करने पर ये आया, ये अपने आप आया, फिर ये इंटर करने पर आया, ये अपने आप आया। फिर उसके बाद अब क्या करना है, अब चौथा पिलर बनाना है, कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ से शेप में जाना है, ये रेक्टेंगल लेना है, और फिर इसी की ओवरलैप करके एक रेक्टेंगल हमें ऐसे बना लेना है, ठीक है। मैं फिर से ओवरलैप इसलिए कर रहा हूँ कि सेम साइज़ का बन जाए, और इसको मैं उठाकर यहाँ पे लाकर रख रहा हूँ, और रखने के बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ से इसका फिर से इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, कोई सा शेप आप ले लीजिए, है ना, मैं वही शेप ले रहा हूँ। अब तीन के नीचे आपको इसको बनाना है, तो मैंने तीन के नीचे मैं यहाँ से इसको बना रहा हूँ ऐसे, तीन के नीचे मैंने इसको बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, और शिफ्ट के साथ इस पिलर पे क्लिक करना है। पिलर पे क्लिक करने के बाद फिर फॉर्मेट में जाना है, मर्ज शेप में जाना है, और यहाँ से यूनियन कर लेना है। यूनियन करने के बाद इस फॉर्मेट में ही यहाँ पर शेप फिल मिलेगा, शेप फिल में आपको कलर फिल करना है, जो सा भी आप कलर करें, और फिर आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ से वर्ड आर्ट में जाना है, और यहाँ से कोई सा आप टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ अब आपको लिखना है फोर, फोर
फोर लिखकर यहाँ से इसको आप यहाँ लाकर उठाकर यहाँ रख देना है। फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ इस पिलर को सेलेक्ट करना है और जाना है आपको फॉर्मेट में, और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, इस ग्रुप में जाना है, यहाँ से आपको इसको ग्रुप कर देना है। और ग्रुप करने के बाद इसी ग्रुप के नीचे आपको सेंड बैकवर्ड मिलेगा। बैकवर्ड तब तक क्लिक करें जब ये तीन के पीछे, चार तीन के पीछे चला जाए, तब तक इस बैकवर्ड पर क्लिक करते रहना है आपको। ये आ गया पीछे, और फिर इस पर कुछ मैं शेप इफेक्ट दे दे रहा हूँ। प्रीसेट में जाकर, ये प्रीसेट पहले भी आपको बता चुका हूँ है ना, ये प्रीसेट्स में मैंने ये शेप दे दिया, थोड़ा सा ग्लो दे दिया। अब इसके बाद फिर मैंने इस पर क्लिक किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इस पर मैंने लिखा जो भी मुझे लिखना है वो मैंने लिख दिया, जैसे कि कोरेल ड्रा कॉमा पेज, ये मैंने लिख लिया और इसको सेट कर लिया, थोड़ा सा इसके अलाइन कर लिया बराबर से। और इसमें मैंने इसको फिर मैं एनिमेशन में गया, इस पर क्लिक करके मैं एनिमेशन पे गया, वाइप दिया मैंने और यहाँ से लेफ्ट दिया और इसको आफ्टर प्रीवियस कर दिया, आफ्टर प्रीवियस कर दिया, ठीक है ना। और फिर से मैं पिलर बनाने जा रहा हूँ, इंसर्ट में गया, अब F5 करके अगर चला के देखेंगे तो कुछ ये इस तरीके से। अच्छा, इसमें मैंने एनिमेशन दे दिया लेकिन इस पर एनिमेशन मैंने नहीं दिया, तो इसलिए इस पर मैंने मैं एनिमेशन पहले दे दिया और इस पर कोई एनिमेशन नहीं दिया, इसलिए मुझे इस एनिमेशन को डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे, इस एनिमेशन पर अगर मान लीजिए कोई एनिमेशन आपको डिलीट करना है तो आप उस एनिमेशन पर जाएँ और इस पॉइंट पर जाकर कोई एनिमेशन अगर आपको डिलीट करना है तो उस एनिमेशन के एनिमेशन पे क्लिक करें और उसके देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना होगा एनिमेशन का पॉइंट, इस पॉइंट पर क्लिक करें, इस छोटे से पॉइंट पर क्लिक करें और डिलीट बटन दबा दें कीबोर्ड से, तो इसका एनिमेशन ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने मुझे पहले एनिमेशन इस पर देना था और फिर इस पर देना था, तो मैंने पहले इस पर दे दिया, इसलिए मैंने इसके एनिमेशन को डिलीट किया और मैं फिर से इस एनिमेशन को दे रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और कौन सा देना, मुझे एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन से मुझे देना है वाइप, वाइप मैंने किया और इसको लेफ्ट किया, लेफ्ट करके इसको ऑन क्लिक रखा और इसको थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दिया। फिर मुझे इस पर एनिमेशन देना है, वाइप ही देना है, एनिमेशन में जाके वाइप ही देना है, लेफ्ट ही देना है और यहाँ से आफ्टर प्रीवियस करना है। अब मैं इसको F5 करके आपको चला के दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ ऐसे आया, फिर इंटर करने पर 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 ये हट गया। अब पांचवा पिलर मुझे बनाना है, तो पांचवा पिलर फिर जैसे मैंने पहले बनाया है वैसे मैं फिर बना रहा हूँ। देखिए, इसके लिए मैं अब इंसर्ट में जा रहा हूँ, शेप में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल लेकर यहाँ से मैंने इसको ऐसे क्लिक किया, इसको नीचे खींचा, इसको मैंने ऊपर किया, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ इसलिए कि आप इसको, फिर मैंने यहाँ पर लाया, यहाँ ला के मैंने रख दिया। रखने के बाद मैं फिर से इंसर्ट में गया, शेप में गया, जो भी शेप लेना है आप कुछ भी ले सकते हो, मैं बना रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाओ, आप कोई और शेप ले सकते हो इसको करके। फिर शिफ्ट के साथ ही इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना, दोनों ऑब्जेक्ट को, और आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, मर्ज शेप में जाना है, यूनियन में जाना है, और फिर यहाँ से आपको कलर लेना है, जो भी आप कलर लेना चाहते हो यहाँ से आप कलर ले लो, जो भी कलर मैं ये कलर ले रहा हूँ, ये कलर ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से मुझे ये कलर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये कलर मैं ले रहा हूँ यहाँ से, और इस पर मैं शेप इफेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ से कोई शेप इफेक्ट ले रहा हूँ, फिर यहाँ से ग्लो में मैं कोई सा एक ग्लो ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक ग्लो ले लिया, और फिर मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, इंसर्ट से वर्ड आर्ट में जा रहा हूँ, वर्ड आर्ट से कोई सा वर्ड आर्ट मैंने ले लिया, यहाँ से ये ले लिया और इसमें मैंने लिख दिया फाइव लिखकर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे सेट कर दिया, और शिफ्ट के साथ मैंने इस पिलर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर ग्रुप में जाना है और इसको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद मैंने पहले बताया बैकवर्ड, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड मिलेगा, बैकवर्ड को तब तक क्लिक करना जब वो पीछे ना चला जाए पिलर के, तो इसको ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए फोर ऊपर आ गया, फाइव पीछे चला गया। फिर वही करना है आपको, क्या करना है, एनिमेशन में जाना है, वाइप देना है, लेफ्ट देना है और ऑन क्लिक रखना है, इसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ा के रखनी है और इसको आपको कॉपी कर लेना, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा कॉपी करके फिर इसमें जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने लिख लिया एजुकेशन इज मिशन, ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, इसको भी वही वाइप एनिमेशन देना है,
लेफ्ट करना है और यहाँ से आफ्टर प्रीवियस करना है, आफ्टर प्रीवियस करने के बाद थोड़ी सी टाइमिंग दे देना। अब देखिए F5 करने पर कैसा आ रहा है, ये पूरा ब्लैंक आया, ये कंप्यूटर सॉल्यूशन अपने आप आ गया और यहाँ से ये आया, है ना। इंटर करने पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आई से आती चली गई, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसका बैकग्राउंड यहाँ पर, चूंकि ये बैकग्राउंड में एकदम प्लेन वाइट सा है, अगर इसको हम थोड़ा सा तो कोई डिज़ाइन दे दें तो और अच्छा लगेगा। तो इसको डिज़ाइन कैसे देना है, देखिए इसको डिज़ाइन देने के लिए इस सादे जगह बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ एक बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन मिलेगा। देखिए राइट क्लिक करने पर ये लिस्ट खुली, इसमें नीचे फॉर्मेट बैकग्राउंड मिलेगा। इस फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट खुल के आ रही, इसमें सॉलिड फिल मिल रहा है ना, ग्रेडियंट मिल रहा है ना, पिक्चर एंड टेक्सचर मिल रहा है। तो पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे क्लिक करिए और यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने है ना टेक्सचर पे देखिए ऑनलाइन के नीचे एक टेक्सचर के सामने ऑनलाइन के नीचे यहाँ पर इस जगह जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से जो भी आप टेक्सचर लेना चाहिए ले लीजिए। देखिए क्लिक करने पर यहाँ चेंज हो रहा है। अब F5 करेंगे तो ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए पहले के मुकाबले ये थोड़ा सा प्लेन सा नहीं है, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी मैं इसका टेक्सचर और चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, ये कहलाता है पेपर बैग टाइप, ऐसी पेपर बैग डिज़ाइन है कहलाती है ये वाली डिज़ाइन जिस पे मैं घुमा रहा हूँ। पेपर बैग डिज़ाइन पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की डिज़ाइन बन गई, लेकिन पेपर बैग की डिज़ाइन बहुत गाढ़ी लग रही है। इसको मुझे ट्रांसपेरेंसी इसी यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन है, इस ट्रांसपेरेंसी से आप जब इसको ऐसे बड़ा करेंगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इसकी हल्की हो जाएगी और अच्छा लगेगा, नहीं तो वो डार्क मैटर जो है नहीं दिखाई देगा। अब मैं इसको F5 करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब ये बैकग्राउंड थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, हो सकता है ये आपको ना अच्छा लग रहा हो, आप दूसरा कुछ कर लीजिएगा, मैंने जो अच्छा लगा मैंने किया है ना। अब इस तरीके से थोड़ा ये अट्रैक्टिव बन गया, अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से इसमें और भी आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं आप चेंजिंग कर लीजिए, कलर वगैरह चेंज कर लीजिए, टेक्स्चर चेंज कीजिए, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें और हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आगे बनाऊँगा, अभी आज के लिए यही वीडियो काफ़ी है। इसको देखिए और इसको प्रैक्टिकल करिए और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा तभी बात समझ में आएगी ना। ओके, थैंक यू, बाय।